बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से हमारे सामने है ये बोर्ड जिसका नंबर है KFR51WBP2। तो इस बोर्ड में आज हम देखेंगे, इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद इसके रिले वाले सेक्शन को चेक करेंगे। इसके अंदर ये लाइन के लिए है, ये न्यूट्रल के लिए है। ये वायर जो है वो न्यूट्रल पर लगा देते हैं और इसको लाइन पर लगा देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ हम सप्लाई लगा देते हैं। ठीक है जी, रिले ऑन हो गई है और सप्लाई आ गई, इसकी एलईडी ब्लिंक करने लगी है। इसके हम बोर्ड पर पहले सप्लाई चेक कर लें, सीपीयू के आसपास में सप्लाई पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ठीक है। और उसके बाद हम तो सप्लाई चेक करने के लिए ये एक वायर जो ग्राउंड के साथ होता है इसको हम, इससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, ग्राउंड वाला है, नेगेटिव वायर है ये। और नेगेटिव वायर को हम किसी एक स्थान पर लगा देंगे, जैसे कि हम यहाँ लगा देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव पर, राइट। अब हमारे पास ये पॉजिटिव वायर बची, ठीक है। अब हमें दोनों प्रॉब हाथ में नहीं लेनी, सिर्फ एक प्रॉब से हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। हम यह देख लेते हैं कि कितनी सप्लाई आ रही है इस जगह पर, ठीक है। 12 वोल्ट सप्लाई इसमें बन रही है और 5 वोल्ट सप्लाई भी इसमें बन रही है, ठीक है जी। इसके बाद आप इसकी 15 वोल्ट सप्लाई और चेक कर लें, जिसका डायोड यहाँ लगा रहता है, यहाँ पर 15 वोल्ट भी बन रहा है, यानी कि SMPS सेक्शन ठीक है। ये MCU है, ये MCU इस बाइपोलर IC 2003 को सिग्नल प्रोवाइड कराएगा और ये फैन की रिले को ऑन कराएगी, ठीक है। ये IC फैन की जो रिले है उसे ग्राउंड प्रोवाइड कराएगी ताकि रिले ऑन हो और फैन चले, ठीक। फिर इस रिले को ऑन कराएंगे, ठीक है, यहाँ फैन लग जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि अगर ये फैन नहीं चल रहा है, इसके PCB में प्रॉब्लम है, तो आप ये देखिए कि ये जो IC है, तो IC की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे इसकी पिन नंबर 9 पर 12 वोल्ट आना चाहिए। नंबर 9 पर आप देखें 12 वोल्ट यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। और इधर वाली पिन इसकी ग्राउंड रहती है, ठीक है जी। ये मोटर लगी हुई नहीं है इस समय, ठीक है, और इंडोर PCB जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस समय देखें यहाँ पर क्या है, इंडोर PCB और फैन लगा हुआ होगा, तो इसकी पिन नंबर 7 पर आप CPU की तरफ से 5 वोल्ट सप्लाई आप चेक करिएगा। रिले ऑन होने से पहले यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई पिन नंबर 9 पर और 1-2 पर 5 वोल्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप 80 वोल्ट का होना ज़रूरी है, मल्टीमीटर को AC की रेंज पर सेट कर लेंगे और इस वाली प्रॉब को न्यूट्रल पर लगा लेंगे, लगा लिया है ये हमने। और यहाँ पर आप चेक करें कि एक पॉइंट पर 80 वोल्ट का होना ज़रूरी है, हमने ये प्रॉब रखी है, कहाँ रखी है, रिले के एक साइड में, और मल्टीमीटर पर देखें तो यहाँ पर 80 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है।
तो बताना ये था कि अगर फैन एसी फैन नहीं चल रहा है तो आप जो बाइपोलर आईसी है उसकी पिन नंबर 12 पर चेक कर लें, पिन नंबर 9 पर चेक कर लें 12 वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पिन नंबर 1 पर चेक कर लें 5 वोल्ट, और इसके बाद जो यहाँ पर रिले लगे हुए हैं इनके एक टर्मिनल पर एसी वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, ये होना ही चाहिए। अब हमने इंडोर पीसीबी वगैरह लगाया है, इस पर सारा सेटअप बन लगाया, उसके बाद जब एक दूसरे का कम्युनिकेशन होगा, एक फ़ैन की चलने की टाइमिंग है, उस समय सीपीयू जो है बाइपोलर आईसी को सिग्नल प्रोवाइड करेगी, तो पहले से इसकी जो रिक्वायरमेंट है आईसी की 12 वोल्ट वगैरह, यहाँ पर एसी वोल्ट का होना, ये सब पहले से मौजूद हो, तो आपका ये एसी फैन चल जाएगा।